हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसे बोला जाता है पूर्ण वर्ग विधि। तो फ्रेंड्स, ये है स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे बोला जाता है हिंदी में द्विघात समीकरण। तो फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण होता क्या है, सबसे पहले इसे जान लें। तो द्विघात समीकरण जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जिसका इस जैसा कि ये देखिए इक्वेशन दिया है, इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर पावर 3 है तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए इस इक्वेशन का सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए। तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, करना क्या है मुझे, तो सबसे पहला काम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। 2x² - 7x = देखिए ये जो कांस्टेंट है, अचर पद है, इसे राइट में भेज दीजिए, यानी कि देखिए प्लस में है तो रिवर्स जाएगा तो माइनस होगा, अगर ये माइनस रहता तो इधर प्लस हो जाता। फ्रेंड्स, इतना तो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब चलते हैं मुझे क्या करना है। देखिए डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई टू बी ऑब्टेन। देखिए क्या है फ्रेंड्स, बी ए भी लिख सकते हैं ऑब्टेन की जगह पे बी ए। जैसा कि मैंने लिखा डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय टू बी ए, यानी कहा जाए तो दोनों टर्म दोनों साइड में, यानी कि इधर और इधर, लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइड करना है, किससे? टू से। और उसके बाद हमें पाते हैं, या उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है, देखिए डिवाइडिंग टू से ही क्यों किया फ्रेंड्स, थ्री से क्यों नहीं किया? तो देखिए सबसे बड़ी यहाँ पे क्या समझना है कि हमें जब भी डिवाइड करना है तो जिसका पावर 2 रहेगा उसके जो आपका मैग्नीट्यूड है, जिसे बोला जाता है कोएफिशिएंट नंबर जो है, उस नंबर से ही डिवाइड करना है। आप बोलेंगे सर 7 से कीजिए, तो जी ऐसा नहीं होता। जब भी आपको करना है तो एक्स स्क्वायर जो दिया है, स्क्वायर वाला पावर जिसका 2 है, उसके नंबर से ही डिवाइड करना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे पावर 2 वाला जो था उसका कोएफिशिएंट, उसका नंबर 2 था, इसलिए मैंने 2 से किया। ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं मुझे क्या करना है, तो 2 से डिवाइड करना है दोनों साइड में। तो देखिए 2x² - 7x = -3। देखिए दोनों साइड में 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है डिवाइडिंग ऑन बोथ बोथ यानी दोनों साइड पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर भी 2 से करना है, इसमें भी 2 से करना है, और इस नंबर में भी 2 से करना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो सभी में 2 से कर रहे हैं। आप देखिए जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। यहाँ देखा जाए तो 2 का टेबल में 7 नहीं आएगा, इसे कैंसिल नहीं करना है। इक्वल टू देखिए, इसे भी कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। जो कैंसिल होता है उसी को कीजिए, नहीं होता है मत कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स मुझे क्या मिला, x² - 7/2x और इक्वल टू है -3/2। इसको बस यहीं पे छोड़ दीजिए, अब हमें इससे कोई मतलब अभी नहीं है। देखिए अब इससे क्या करना है फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए, तो बड़ा पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है, ये लिखना है 2x² - 7x = दे देना है जो कांस्टेंट है, जो इसका अचर पद है, नंबर खाली ओनली नंबर, तो नंबर को राइट साइड में भेज देना है, अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय, देखिए हमें डिवाइड किससे करना है, जिसका पावर 2 रहेगा, पावर 2 है तो उसके नंबर से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 से डिवाइड होता, अगर यहाँ 4 रहता तो 4 से डिवाइड होता, लेकिन यहाँ पे पावर 2 होना चाहिए। तो देखिए डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 2 बिगेन, यानी कहा जाए तो दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, अब देखिए भाग कर रहे हैं तो 2x² जैसा इक्वेशन था वैसा लिख दिया। अब सभी में डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, नीचे में 2 2 रखना, 2 2 रख दिया,
अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, 2 का टेबल में 3 नहीं आता, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब मुझे रिजल्ट क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 और x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन, तो इतना मिला फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें एक तीन टर्म होता है, तीन टर्म होता क्या है देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं ft क्या होता, तो ft का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसमें कितना है देख लीजिए, फर्स्ट टर्म ऐसा लिख दिया होता फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मिडिल लास्ट, फर्स्ट मिडिल लास्ट, ऐसे भी जानते हैं कि बीच वाला मिडिल कहलाता है, बीच में कहलाता है, मिडिल यानी बीच में। तो देखिए इसका ft की वैल्यू क्या है, नंबर से मतलब है हमें, मैग्नीट्यूड से मतलब है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, 1, क्या देंगे फ्रेंड्स, 1, अगर यहाँ 4 रहता तो 4 लेंगे। अब देखिए mt कितना है फ्रेंड्स, तो देखिए साइन के साथ लिखिएगा, माइनस 7 अपॉन 2, एक्स ले या ना ले उससे कोई फेक नहीं पड़ता। अब देखिए उसके बाद होता है lt, तो lt क्या होता है फ्रेंड्स, तो lt अपना ये लेके चलना है, ये होता है आपको, हालांकि lt की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ft mt से चलिए चलेगा, तो देखिए ft mt और lt इस प्रकार से कर लेंगे फ्रेंड्स, चाहे तो आप lt को मत रख के चलेगा, lt की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मुझे करना क्या है, इस प्रकार से हम लोग इतना कर चुके, अब मुझे करना है बस यहाँ से कुछ रफ करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि स्पेस अपने पास कम है, तो ध्यान दीजिए नोट डाउन करते रहिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी फ्रेंड्स। तो देखिए नोट डाउन आप लोग करते रहिए, जहां तक इसको सॉल्व कर रहे हैं, स्पेस कम है इसके चलते इसे रफ करना पड़ा। तो फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिए यहाँ तक समझ में आया होगा, हाँ मुझे करना क्या है, तो देखिए यहाँ से एल टी का फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है फ्रेंड्स, एल टी का फॉर्मूला, तो एल टी, एल टी इक्वल टू फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स एम टी स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई एफ टी, एफ फॉर्मूला है। अब बोलिए एल टी क्या होता है, एफ टी क्या होता है, तो फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, एफ टी का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एम टी का मतलब मिडिल टर्म, और LT का मतलब लास्ट टर्म। तो ध्यान दीजिए LT इक्वल टू देखा जाए तो MT, MT की वैल्यू कितनी है, माइनस 7 अपॉन 2, तो माइनस 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर फ्रेंड्स। अब देखिए मुझे क्या करना है, LT की वैल्यू तो कर रहे हैं LT इक्वल टू अपॉन, देखिए 4 तो 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई एफ टी, एफ टी कितना है फ्रेंड्स, एफ टी देखिए कितना है 1, इस प्रकार से अरेंज कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स अब मुझे करना क्या है, इसको सॉल्व करना चाहे तो यहीं पे कर सकते हैं, माइनस 7 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 49 अपॉन, देखिए माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। अब देखिए 4, ये देखिए इसके बाद ये है अपना 49 अपॉन 2 का स्क्वायर फ्रेंड्स, तो 4 और अपॉन में देखिए 4 बन जा 4, सब एक तरह का 4 बना लेते हैं। अब देखिए इसमें अपॉन कितना है, 1 2 अपॉन है, अरे 3 अपॉन है, इसके नीचे नंबर है इसके नीचे नहीं है, तो कुछ नहीं को 1 दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अब मुझे करना क्या है, इस इक्वेशन को लिख के रखिए क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जरूरत है, x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। तो देखिए हमें क्या करना है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ से देखिए 49 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4, यानी कि देखिए मैं बताया था 4 4 अगर अपॉन आ जाए 1 2 3 4, तो करना क्या होता है, पहले जैसा वैसा लिख दिया मल्टीप्लाई, इसको रिवर्स कर दीजिए, 1 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए कितना हुआ फ्रेंड्स, तो कहा जाए तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 49 अपॉन 4 4 जस्ट 16, कितना आया फ्रेंड्स, अब ध्यान देना है इस वैल्यू पे, अब लिखना है, देखिए इक्वेशन रखा हूं इसलिए काम के लिए है, इसको याद कर लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब मुझे क्या करना है, तो देखिए वही पे आना है जहां से वैल्यू लिए थे FTMT का, हमें ऊपर किचन में नहीं जाना है फ्रेंड्स, बस जहां से लिए थे वैल्यू अभी जस्ट x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 एक्स, इतना लिखना है फ्रेंड्स, बस दो ही टर्म लिखना है इतना। उसके बाद क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको एक बार प्लस में लिखिएगा और एक बार माइनस में लिखिएगा,
यानी कि प्लस 49 अपॉन 16 और उसके बाद माइनस 49 अपॉन 16 और उसके बाद जो है आपका इक्वल टू जो है वो कितना था माइनस 3 अपॉन 2। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 एक्स और उसके बाद इसे एक बार प्लस में लिखना है इस वैल्यू को और एक बार माइनस में और इक्वल टू के बाद जो था वैसे रहने दीजिए। अब देखिए ऐसे लिखने से आप बोलेंगे सर प्लस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, अगर प्लस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो वापस वही रास्ते पे आ जाएंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो हमें प्लस माइनस को कैंसिल नहीं करना है फ्रेंड्स, समझना है यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक इसका स्क्वायर है फ्रेंड्स, एक्स का स्क्वायर है माइनस, ये देखिए एक इस पे आधारित होता है, इसके पहले इसको कर लीजिए आसान पड़ेगा, एक इसका स्क्वायर होता तो 7 का और एक इसका स्क्वायर होता 4 का, 7 बाई 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इसे a लेट करेंगे और इसे b लेट करेंगे, यानी a स्क्वायर और a प्लस b स्क्वायर माइनस बीच में क्या होना चाहिए 2ab, तो 2 लिख दिया फ्रेंड्स इनटू a की वैल्यू, a किसे माने हैं x को, तो a की वैल्यू x इनटू b की वैल्यू 7 अपॉन 4, इस प्रकार से आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए बाद में जो है उसको ऐसे लिख दीजिए माइनस 49 अपॉन 16 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, जैसा था वैसा लिख दिया फ्रेंड्स। अब आपको ये बताना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, यहाँ तक का फार्मूला पे सेम होता है, तो क्या लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स तो x और उसके बाद माइनस b की वैल्यू तो 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो बच्चा उसको क्या लिखते हैं, देखिए इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, ये माइनस है इधर आके क्या बन जाएगा प्लस में फ्रेंड्स, इस प्रकार से कर लेंगे। अब मुझे करना क्या है फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी है, x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस अरे प्लस है एलसीएम पहले ले लीजिए तो कितना हो गया 16, 2 से करेंगे तो 8 होगा, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 प्लस 16 से 16 वन टाइम में तो ऊपर जो है वही रह जाएगा। आप बताएंगे फ्रेंड्स क्या होगा, तो देखिए इक्वल टू देते जाइए x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया माइनस प्लस घटा लीजिए तो 25 अपॉन 16, माइनस प्लस घटती है साइन किसका पड़ता है जो बड़ा होता है उसी का। अब देखिए क्या करना है, x माइनस 7 अपॉन 4 स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा फ्रेंड्स रूट चल जाएगा 25 अपॉन 16, हम लोग पढ़ चुके हैं स्क्वायर हटता है तो क्या चलता है रूट। अब x इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स, तो देखिए सेम x इक्वल टू देखिए प्रोडक्ट कर लेते हैं, हम मुझे करना क्या है तो x माइनस 7 अपॉन 4 इक्वल टू देखिए ये अंडर रूट में है तो देखना है कि 25 किसका स्क्वायर होता तो 5 का वर्गमूल तो आता होगा और उसके बाद 16 किसका है तो 4 का, ये प्लस और माइनस दोनों में होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के पास प्लस और माइनस दोनों साइड होता है। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा, अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर की मुझे करना क्या है, तो मुझे बस थोड़ा सा और चलना है, क्या करना है ध्यान दीजिएगा, x उसके बाद माइनस 7 है तो ऐसे रहने दीजिए इक्वल टू प्लस में लेके एक बार प्लस में इसको यूज करना है एक बार माइनस में तो प्लस 5 अपॉन 4 अरे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में फ्रेंड्स। अब x इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए तो 4 होगा और यदि नीचे का सेम है तो ऊपर का नंबर ऐड कर लीजिए फ्रैक्शन हो गया 4 3 12 यानी बोला जाए तो एक भी आ गया। दूसरा चलेंगे तो x इक्वल टू क्या करना है इसे माइनस में यूज करना है 5 अपॉन 4 और उसके बाद एक माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब इसे करेंगे तो x इक्वल टू 4 ऐसे रह जाएगा, नीचे का सेम है तो ऊपर का नंबर माइनस प्लस में घटा लीजिए तो 2 हो गया 2 2 4 यानी 1 अपॉन 2 कुछ नहीं बचा ऊपर तो 1। अब हमारा फाइनली आंसर लिखना चाहेंगे फ्रेंड्स तो 3 और दूसरा हो गया 1 अपॉन 2 ये फाइनली आंसर हो गया फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा गया लेकिन गारंटी है कि आपको समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।